गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मम्मी और कपड़े धोने जा रहे हैं, मम्मी के सभी, पूनम के, और अभी हम बिस्तर भी धोने हैं तो सभी ले लिए हैं टब में। तो फिलहाल जाएंगे खेत में, जो कि आज हमारा पानी आएगा तो वहीं पर सारे कपड़े धो देंगे। तो फिलहाल आज तो मैं बनियान में ही हूँ, क्योंकि आज तो मेरा, और आज पहली बार मम्मी नहीं जा रही रिलीफ में। मम्मी ने आज मना कर दिया, मैं आज रिलीफ में नहीं जा रहा हूँ, पहली बार बोला मम्मी ने, क्योंकि आज घर पे काफी ज्यादा काम है इसीलिए। और आज तो बड़े पापा भी आए, जो कि कल के व्लॉग में नहीं दिखाए, कल रात को आए थे 9:30 बजे, तो काफी ज्यादा लेट आए थे। तो फिलहाल बड़े पापा गए नहाने के लिए, और अब बड़े पापा, पापा मेरे पापा और दादा भी जा रहे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में जाएंगे जो कि दोपहर को 1-2 बजे आएंगे, तो आज हमको शाम को जाना है ओडन। क्यों? तो अभी दीपक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, दीपक कह रहा मैं जा रहा हूँ। हाँ दीपक भी जा रहा है, मोटा बड़े जहाँ पर जा रहे हैं दीपक भी जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम शाम को देखते हैं, ओडन जाते हैं जो नहीं जाते हैं। पापा 2-3 दिन से रखे हैं, फिर अगले दिन, तो आज देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो गाइस अभी पहुंच चुके खेत में, जो कि ये राम मंदिर, और यहाँ पर पूरे बिस्तर हमारे जो भी ओढ़ते हैं रात को सभी जगह नीचे रख दिए, तो अभी यहाँ पर धोएंगे। तो पूनम हम दोनों थक गए भाई, इतना वजन था वे, देखो ब्लैक दो प्याले दिखे दे रहे हैं, दो प्याले हम दोनों लेके आए, पूरा सिर फट रहा है ऐसा, जबरदस्त दुख गया। तो अब फिलहाल मोटर चलाएंगे, जो कि हमारा भाई बाजरे में पानी जाएगा। तो भाई यहाँ पर तो क्या सेटलमेंट कर दिया भाई, यहाँ पर पहले इतना अच्छा था, पूरा बिगाड़ दिया। अब देखो यहाँ पर पूरे झाड़ लगा दिए, और पहले यहाँ पर सीधा शॉर्टकट उस तरफ जाने का रास्ता था, जो कि पूरा खराब कर दिया भाई, कितना कुछ लगा दिया। ये सब इसीलिए लगा है क्योंकि ये यहाँ पर हमारे आंटी जी का बाजरा दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर नील गाय इतनी आई थी भाई, नील गाय आ गई थी बहुत सारी, तो पूरा बिल्कुल नहीं रखा, सारा बाजरा खा गए। वैसे हमारे जाली में इसलिए हमारा सेफ है, इनके जाली नहीं कोई, तो इसलिए पूरा नील गाय बाजरा खा गए, इसीलिए इनके झाड़ बनाए। अब ये देखिए भाई, ये कांटे ये है ना, इतने तीखे हैं भाई, किसी एक बार घुस जाए पता आ जाता है इसको, जबरदस्त फुल कांटे ही। हाँ तो ये बाजरा भाई काफी बड़ा हो चुका है भाई, हमने छोटा था, हमने स्टार्टिंग में देखा था जब, अब लमसम इतना, हाँ इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा। तो कल मेरा पूरा फुल वीडियो बनाया था इसमें, अभी तो मैं जाली अंदर से वीडियो बनाया, तो कल इसका फुल वीडियो बनाया बढ़िया म्यूजिक सूट के साथ। तो देखता हूँ आज वैसे फोटोग्राफी करें पूनम, वो कल वाली पूनम ने की फोटोग्राफी भाई। अभी 1-2 दिन में खेत में नहीं, खेत पूरा चेंज हो गया, जहाँ पर पहले यहाँ पर जाली नहीं थी, पहले यहाँ से सीधा रास्ता था उस तरफ जाने का, अब यहाँ पूरी जाली लग गई वहां तक, जो कि अब पूरा घूम के जाना पड़ता है भाई। यार क्या यार, पूरा बदल दिया एरिया। तो गाइस फिलहाल अभी मोटर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पानी आ रहा उस तरफ से, तो एक इस तरफ पानी सीधा यहाँ पर जाएगा, और अंदर वहाँ जाके अंदर घुस जाएगा सीधा खेत में। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पर कपड़े धोएगी। तो गाइस अब फिलहाल पानी आ चुका है खेत में, जो कि पहले क्यारे में जा रहे हैं, अब जब तक पूरे क्यारे नहीं पियेंगे तब तक अब मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगा, अब थोड़ी देर बाद व्लॉग देखता हूँ। तो गाइस अभी उस तरफ तो पूनम कपड़े धो रही है, और इस तरफ मम्मी अपने बिस्तर धो रही है भाई, क्या कॉम्बिनेशन है। तो गाइस मुझे पता ही नहीं, सुबह से मैं बनियान में घूम रहा हूँ भाई, पूरा व्लॉग बनियान में बन रहा है भाई, क्या करेंगे अब। तो एक बार देखता हूँ यहाँ पर कुछ कपड़े सूखे हैं, तो बाकी मेरे पे कपड़े क्या खराब हो गए थे इसीलिए, तो सभी कपड़े एक साथ धोए। तो अब फिलहाल टी शर्ट तो अभी काफी ज्यादा गीला है भाई, और मेरा लोवर भी यहीं पर सुखा दिया है, तो यार एक बार ये सूख जाए फिर पहनता हूँ, अब घर कौन जाए कपड़े लेने के लिए। तो गाइस अब मैं बाजरे दिखाता हूँ भाई, कितना बड़ा हो चुका है भाई, देखो एक बार, ओहो इतना बड़ा भाई, मेरे कमर तक आ जाता है पूरा। और भाई ये देखो क्या ही जबरदस्त लग रहा है भाई, थोड़ा फोन में फोकसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो अच्छा दिखाई देता भाई। ये देखो इतना कुछ बड़ा बड़ा रहा, बस उधर उस तरफ बड़ा हो रहा है, और इस तरफ भी नया नया खिल रहा है। तो अभी फिलहाल भाई इस क्यारे में पानी जा रहा है, जो कि ये पीते ही इसमें डालूंगा,
फिर ये ऑटोमेटिक सारे कैरे पी जाएंगे, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अभी तक तो। और अब मैंने पापा से बात की, हमको बुआ के यहाँ छोड़ना है, मेरे को जाने की थी 3 दिन से वो बोल रहा हूँ, पर भाई मैं अभी तक जा नहीं पाया। जो पापा कह रहे शाम को छोड़ दूंगा, तो दीपक और हम दोनों जाएंगे शाम को। तो अभी बड़े अपन, पापा, जा, दादा, अभी सभी जने गए प्रोग्राम में, वो दीपक भी उन्हीं के साथ चला गया। बाकी दीपक भी आज यहीं पर मिलता, तो कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल एक बार बनिया में सही नहीं लग रहा, एक बार कपड़े सूख जाते, जल्दी से एक बार टी शर्ट पहन लेता हूँ। अभी तक कपड़ा नहीं धोवाए गए, अरे हाल तक बिस्तर ही धोए रहा, कपड़ा सब बाकी से। तो गाइस फाइनली टी शर्ट सूख चुका है। तो इतनी देर से मैं बनियान में घूम रहा था, तो अभी घड़ी 11 बज गई, समझ रहे हो, बज गई है। तो अभी फिलहाल टी शर्ट पहनता हूँ और फिर कपड़े लेके घर पे जाता हूँ, घर पे सुखाते ही फिर भैंस को भी पानी पिलाना, तो पानी पिला के वापिस आऊँगा यहीं पर। तो जाओ फिलहाल शाम के 6 बज रही है और अभी जस्ट मैं उठा हूँ, जो कि दोपहर को सो गया था, खेत में काफ़ी सारा काम करके फिर सो गया। और ये टी शर्ट भी डाल दिया उस समय वहीं पर खेत पर। तो फिलहाल पूनम अपने रोटी तैयार कर रही है, क्योंकि बड़े अपन जा रहे हैं अहमदाबाद वापिस, तो उनके लिए। तो अभी फिलहाल मैं तो अपनी वापिस पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ, और पूनम जा, दादा और दीपक सभी जा रहे हैं, गांव में एक प्रोग्राम है, तो सभी को इनवाइट किया है पूरे गांव को, तो सभी जाएंगे जिमने के लिए, सिर्फ मैं नहीं जा रहा हूँ, बाकी सब जा रहे हैं, तो एक बार इसको जाने देता हूँ। गाइस अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, तो अभी घड़ी 7:15 बजी है, तो अभी चलते हैं नए घर पे। आज तो गाइस अब मैं आया हूँ नए घर की छत पे, जो कि अकेला आया हूँ, क्योंकि आज भाई काम तो लगभग पूरा होने वाला है, सिर्फ थोड़ी वो पेंटिंग करनी और बाकी है, और अंदर प्लास्टर बाकी है, बाकी इस तरह पूरा हो चुका है भाई, पूरी इस तरफ से वहां तक पूरी तरह हो चुकी है। घर तो पूरा तैयार हो गया, हाँ जा, घर पूरा तैयार हो गया। अरे कई करो रे कपिल, दीपान गिरा अरे साले बाने नहीं साले पहला खावर ही करो बेटा, स्कूल में नहीं सिखाते हैं क्या, खाना कैसे, बैठना कैसे, उठना कैसे, ये सब सीखना पड़ता। तो गाइस अब मेरे को भूख लग रही थी और मैं इस तरह आया, तो आज खाने में सिर्फ सब्जी है, पर रोटी है अब कोई भी बाटी की ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर है क्या, आलू गोभी की सब्जी, और यहाँ पर है दाल, और इस कुकर में है आलू की सब्जी जो कि सुबह बनाई थी। भाई 3 दिन सब्जियां हैं, पर इसके साथ और कुछ खाने को आटे से बनाया हुआ कोई सामग्री नहीं है अभी तक। हाँ पूनम, तो रोटी बनानी पड़ेगी। तो अब फिलहाल दाल पूड़ी खाते हैं एक बार, तो एक बार खा लेता हूँ फिर वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो वैसे फिलहाल खाना खा लिया, तो अब फिलहाल वीडियो एडिटिंग के लिए बैठता हूँ। तो वैसे फिलहाल वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप गाइस आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।